Hello friends, I am Surya. ये कोरोना के चलते जो आपका सिलेबस डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब आप रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए कुछ टॉपिक आपके जो है जो नीट में आने श्योर होते हैं क्वेश्चंस, उस तरह के आपको हेडिंग बता रहे हैं जिसे आपको रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा और कम टाइम में जो आप अपने एग्जाम को आप रेडी कर सकते हो। कम टाइम में टॉपिक को कैसे रिवाइज करो, चैप्टर को कैसे रिवाइज करो, घर बैठे बैठे आप कैसे पढ़ोगे, इसलिए आप एक देखो क्वेश्चन एक हेडिंग लिख लो। पहले सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो ऐसा हेडिंग है, इसका यूज आपको हर टॉपिक में मिलेगा। आप कोई भी ब्लॉग पढ़ोगे वहां पे इसका यूज मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कोई भी ब्लॉग पढ़ोगे, यस ब्लॉग, पी ब्लॉग, डी ब्लॉग या ब्लॉग, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कहीं भी आप जाओगे इन ऑर्गेनिक में, क्वाड्रेंट कंपाउंड से लेकर के मेटलर्जी तक, आप ये वहां मिलना कन्फर्म होता है। और सबसे इसमें जो देखो इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, भाई किस सेल में क्या है, कहां पे क्या है, ऐसे ऐसे कभी कभी पूछता रहता है। तो जैसे आप देखो एक रूल लिख लोगे, आप कभी कभी लिख लो, एक रूल नंबर वन लिखो आप, रूल नंबर वन, ठीक है कि आप देखो कुछ तो अपने से कर लेते हो भाई, 9-10 से पढ़ के आए रहते हो, तो कुछ जो आप अपने से बना लेते हो कुछ एलिमेंट, मतलब जैसे देखो आप 20 तक जो अपने से जानते रहते हो, 19-20 तक अगर कोई आपसे पूछता है तो आप अपने से लिख भी लेते हो। लेकिन जब 20 से आगे की बात आती है भाई, जब आप 8 में पढ़ते हो, 9 में पढ़ते हो, 20 तक पढ़े रहते हो कि 20 से आगे नहीं जान पाते हो, 10th में जाते हो 30 तक पढ़ते हो, 30 से आगे नहीं पढ़ पाते, 11th 12th में जब आते हो तो 40 से नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन तुम्हें एक तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं, जैसे आप करीब लगभग लगभग 100 एलिमेंट्स तक का या 118 एलिमेंट्स तक का या किसी भी एलिमेंट्स का आप इस तरह से बना ले जाओगे। जैसे शुरू में कुछ एलिमेंट्स का आपको रिवाइज करा देते हैं जिससे आपको जानना आसान हो। जैसे अगर हम रूल नंबर वन देखो, पहले क्या बोलता है कि आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, इफ द, अब देखो यहां पे एक वर्ड आप जैसे नाम कभी सुने होंगे, वैलेंस सेल, आउटर सेल, पेनेट्रेट सेल, एंटी पेनेट्रेट सेल, वो सब देख लो क्या होता है कि भाई जैसे मान लो न्यूक्लियस होता है, इसके जो सबसे दूर की कक्षा होती है उसको बोलते हैं आउटर सेल, जैसे ये इसको हम बोलते हैं आउटर सेल दोस्त, इसे क्या बोलोगे आप, आउटर सेल, या इसी को कुछ लोग वैलेंस सेल भी बोला जाता है कि वैलेंस सेल। लेकिन जो इसके जस्ट बाद होती है एक सेल छोड़ करके, इसको पेनल्टीमेट सेल बोला जाता है, इसे हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, ठीक है। और एक सेल और छोड़ दिया जाए जो सबसे अंदर होता है उसको एंटी पेनल्टीमेट बोला जाता है, एंटी पेनल्टीमेट। आउटर सेल इज कॉल्ड, आउटर सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल और आउटर सेल्स एंड एन माइनस वन इज कॉल्ड पेनल्टीमेट सेल, और एन माइनस टू आर एक्सेप्ट एन माइनस वन ऑल सेल आर इंक्लूडेड इन एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो यहां पे बात क्या है, जो आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, इफ द पेनल्टीमेट सेल हैज 18 इलेक्ट्रॉन, इफ द पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल हैज 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन 18 इलेक्ट्रॉन्स, देन द वैलेंस सेल कैन हैज, देन वैलेंस सेल कैन हैज, वैलेंस सेल कैन हैज मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले आपको हम ये समझा देते हैं कि भाई ये रूल नंबर वन क्या कहता है। जैसे अगर मान लो जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे आप नाम सुने भी होंगे। हाइड्रोजन का देखो आप लोग जानते हो भाई किस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम का लिखते हैं 2.1 ऐसे लिखते हैं, सोडियम का लिख जाता था 2.8.1 लिखा जाता है ऐसे, पोटेशियम का देखो जैसे आप लिखते हो 2.8.1, मान लो अगर कैल्शियम की बात करते तो आप लिखते हो 2.8.8.2 ऐसे। तो अगर हमने कहा कि भाई आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, कि जब हम इससे आगे की बात करेंगे तब हमारे रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, जब आप एटॉमिक नंबर 20 की बात करो, 20 से अबव द 20 देन आप अप्लाई करोगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप एटॉमिक नंबर जब 20 से ऊपर जाओगे तो इफ द पेनल्टीमेट सेल हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
देन वैलेंस सेल कैन हैज मोर देन टू इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब ये कहने का है कि जैसे अगर हम बात करें स्कैंडियम का या फिर टाइटेनियम का या फिर क्रोमियम ले लो, मैंगनीज ले लो या फिर कॉपर ले लो, जिंक ले लो, ठीक है, तो स्कैंडियम का 21 होता है। अगर इसके हिसाब देखा जाए तो 2, 8, 8। अब जैसे दोस्त यहां पे देखो, यहां 20 होता है, यहां 21 होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। दो ऑप्शन है कि भाई अगर मान लो आप यहां ऐड करते हो 2 में तो 3 हो जाएगा, अगर आप 2 में ऐड करोगे तो आउटर सेल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा रूल नंबर 1 ये कहता है कि जैसे आप यहां फिर से देखो सोडियम है, जैसे यहां पे आप नियॉन को देखो, नियॉन 2.8, तो जब 2.8 नोबल गैस हो गया, फिर जब सोडियम की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जाता है। इसके जब यही बगल मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसके बगल में 2 हो जाता है, फिर अगर हम आगे जाते हैं तो 3 होता है। लेकिन अगर हम जब यहां पे आते हैं तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम 20 से जब ऊपर जाते हैं तो ये देखो हमारा आउटर सेल है, ये पेनल्टीमेट सेल है, ये एंटी पेनल्टीमेट सब में आता है। तो आउटर में 2 से अधिक तभी आप पुट करोगे जब ये जो पेनल्टीमेट सेल लिए है इस पेनल्टीमेट में आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसमें कितने हो जाए, 18 हो जाए। अभी तो 18 है नहीं, इसलिए अगर जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा पहले हम यहां ऐड करेंगे और इसमें तब तक ऐड करेंगे अंटिल ये वेन यूर 18 एलिमेंट्स सच है। अब इसी 21 का जब लिखेंगे हम तो 2.8.8.2 जो 1 आ रहा है उसको यहां ऐड करेंगे, प्लस 1 करेंगे और हो जाएगा 2.8.9.2। ऐसे ये रूल नंबर 1 बोलता है। जैसे अगर आप इसके आगे जैसे मान लो हमने लिखा स्कैंडियम के बाद, ठीक है, मान लो हमने क्रोमियम लिख दिया, सॉरी जैसे स्कैंडियम के बाद हम जैसे मान लो लिख दिया मैंगनीज Mn, तो इसका आप जानते हो भाई 25 होता है, इसका कितना होता है दोस्त 25। तो 25 जैसे लिखोगे आप देखो ऐसे 2, 8, पहले ऐसे लिख लो 2, 8, 8, 2, ये 20 हो गया, बचा कितना 5। तो जो 5 ऐड करना है वो 5 हम देखो पहले कहां ऐड करेंगे, ये आउटर सेल है, ये पेनल्टीमेट सेल है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि भाई जो आप जब 20 से ऊपर जाओगे तो आउटर सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी आप पुट करोगे जब तक यहां 18 ना हो जाए। तो जब 25 में 5 बचेगा ऐड करो तो देखो हो जाएगा 2.8.30.2। जैसे अगर मान लो बात करते हैं जिंक का तो 2.8.8.2 पहले ऐसे लिखोगे, फिर ये देखोगे आपके भाई कितने अभी बच रहे हैं, कितने अभी बच गए, तो यहां से भी 20 हुआ 10 बच गया। पहले हम इसमें भरेंगे पेनल्टीमेट सेल में, आउटर में नहीं भरेंगे, कहां भरोगे पेनल्टीमेट में। और जब यहां 10 भरोगे देखो जिंक काम को जो मिलेगा वो 2.8.18.2, ये किसका मिला दोस्त, जिंक का। तो इस तरह से आप फुलफिल करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये रूल नंबर 1 ये बोलता है, अब रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं वो देख लो, रूल नंबर 2। अच्छा हाँ, अब इस पे बस कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता देते हैं भाई, इतने क्वेश्चंस को मतलब क्या है इसका। रूल नंबर 2 देख लो, उसके बाद बताते हैं और अच्छे से इसको। रूल नंबर 2 देखो क्या है, रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कहीं भी आपको लास्ट में 12.1 मिले, ठीक है दोस्त, या 12.2 मिले, या फिर कहीं आपको 16.2 मिले, समझ गए इस तरह से, या फिर कहीं आपको 17.2 मिले, ऐसे 12.2, 17.2, या फिर कहीं आपको 16.2 मिले, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल में लिखोगे ये लिखोगे आप 13.1, ठीक, इसको बाई कर दोगे 18.1, इसको कर दोगे 18.0, ये एक्चुअल में करेक्ट ऐसे रहेगा। ये जहां भी आएगा सब जगह अप्लाई करोगे, ये सिर्फ एक ही जगह अप्लाई होगा 46 में, इन द केस ऑफ पैलेडियम 46 में जब भी आप देखोगे तो ये ऐसे जब 16.2 आएगा इसको 18.0 कर दोगे, ठीक है। अब हम आते फटाक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे कि भाई देखो वो कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अब हम देखो आपको एक नया तरीका बताने जा रहे हैं कि जैसे अगर हम मान लो बात करते हैं 5-5 एलिमेंट्स का, कि 1 से 10 के बीच का 2 एलिमेंट्स लेते हैं, 10 से ऊपर का 2 लेते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम ले लिया, बोरान ले लिया, कार्बन ले लिया, इसका पहले लिखोगे 1 हो जाए,
इस वन का मतलब ऐसे वन एस वन हो गया। लिथियम का देखो थ्री होता है, थ्री को लोगों के टू कामा वन, इसका मतलब जैसे ये वन ये टू, यानी इसके नीचे का मतलब ये टू, टू कामा वन का कि ये वन एस टू ये टू एस वन हो गया। जैसे बोरान का फाइव होता है तो टू कामा थ्री लिखोगे, तो इसके नीचे मतलब ये है वन एस टू टू एस टू टू पी वन। जैसे कार्बन में देखो टू कामा फोर लिखोगे आप तो इसका मतलब है वन एस टू टू एस टू टू पी टू। जैसे नाइट्रोजन ले लो सेवन होता ना एटॉमिक नंबर, बोलो भाई तो टू कामा फाइव कैसे लिखोगे इसको, ऐसे वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री। जैसे आप फ्लोरीन ले लो नाइन होता है टू कामा सेवन, कैसा लाइन खींचो वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव। ठीक, या जैसे मान लो तुम्हें नियॉन आ गया टेन है भैया टू कामा एट, फिर लाइन खींचो ऐसे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स। जैसे मान लो अगर सोडियम मिल गया आपको, सोडियम देखो सोडियम कैसे लिखोगे एन ए सोडियम देखो, फिर वही लिखोगे टू कामा एट कामा वन ऐसे खींचो, तीन हो गया ना तीन, तो ऐसे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन। मान लो अगर एम जी मिल गया तो टू कामा एट कामा टू देखो ऐसे वही लाइन खींचोगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू। फिर अगर आगे वाला एल्यूमिनियम तुम्हें मिल गया, ठीक है क्या मिला आपको एल्युमिनियम, देखो उसका कैसे करोगे टू एट थ्री, फिर से लाइन खींचोगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन। मान लो अगर तुम्हें सिलिकॉन मिल गया, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ले लो सेवनटीन होता है टू एट सेवन, वैसे लाइन खींचोगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाइव। मान लो आर्गन मिल गया एटीन होगा ना दो आठ आठ, वैसे लाइन खींचो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स। मान लो कैल्सियम मिल गया आपको, तो कैल्सियम मिल गया तो देखो क्या करोगे भाई भाई दो आठ आठ दो, अब देखो यहां चार हो गया ना चार, तो ऐसे लिखोगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू। जैसे अब यहां देखो फिर से अगर हम आ गए मान लो थोड़ा आगे, मान लो हम आ गए क्रोमियम पे, चलो क्रोमियम बना करके पहले वैनेडियम कहते हैं, ठीक है ये 23 होता है दो आठ आठ दो। अब देख लेंगे भाई कि पहले जो हमारा ये 20 से एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो पहले रूल नंबर वन को याद करोगे अफ्टर द नंबर 20, आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20 यदि पेनल्टीमेट सेल इफ द पेनल्टीमेट सेल कैन हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स देन न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड इन आउटर सेल्स बट ये 18 से कम है इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे पेनल्टीमेट में, ये कितना बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 जब यहां ऐड करेंगे देखो पेनल्टीमेट में तो 2 8 11 कामा 2, ये करेक्ट होगी ये करेक्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी, जो बचा होगा थ्री डी में लिख लेंगे, आठ हो गया तीन बचा थ्री डी थ्री, ये फोर एस टू हो जाएगा फोर एस टू ऐसे। अब देखो यहां जो जो इंपॉर्टेंट है वो क्रोमियम का होता है, तो क्रोमियम का देखो जब लिखोगे आप तो टू एट सॉरी टू एट एट टू ये क्रॉस हो गया, इसलिए हो गया कि भाई अभी क्रोमियम का जो 24 होता है तो पहले देख लो 20 हो गया, ये 4 इसी में ऐड करोगे पेनल्टीमेट में ये 12 हो जाएगा, तो देखो ऐसे लिखेंगे 2 8 12 कामा 2 अभी करेक्ट हो गया। अब इसको फिर वही लाइन खींचोगे ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जोड़ लो 6 2 8 3d4 4s2। अब यहां देखो मुद्दे की बात दोस्त ये भाई 12 कामा 2 तो ये ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं रूल नंबर 2 से, रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कहीं पे आपका 12 कामा 2 हो तो इसको आप देखो क्या करोगे 13 कामा 1 तो ये करेक्ट हो जाएगा, 13 कामा 1 कैसे लिखेंगे 2 8 13 कामा 1 अब ये करेक्ट हो गया, इसको ऐसे फुल करो 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s1। अब ये वाला देखो करेक्ट हो गया। फिर रूल नंबर टू के हिसाब से कॉपर देख लो, कॉपर कैसे करोगे, पहले 2 8 और 18 2 और एक 29 होता है तो जोड़ लेंगे भाई। तो यहां पे देख लो पहले 9 बचा, 20 हो गया, 9 बचा, इसमें 9 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। अब रूल नंबर टू ये कहता है कि जहां 17 2 होगा इसको क्रॉस करके पहले एक्चुअल वाला लिखेंगे जो करेक्ट है, तो 2 8 18 1 हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया। अब इसके हिसाब से देखो लिखोगे तो हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s1। ये तरीका दोस्त लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके थ्रू आप जो है अभी 13 तक लिख सकते हो और इसके आगे का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं, नेक्स्ट ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप इतना पहले रिवाइज कर लो एक बार, फिर आपको आगे बताते हैं।